पार्टियों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी वाइब खुद क्रिएट कर लेती हैं, और जब आप उनके साथ बैठो बोर नहीं होते, और जब भी आप उनके साथ अगर 2 मिनट के लिए खड़े हो तो आप 15 मिनट से पहले वहाँ से नहीं उठते। तो ये पॉडकास्ट भी इसी तरीके से होने वाला है। शदीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और मज़ेदार किस्म की स्टोरीज। मेरे साथ हैं नन अदर देन शेफ शगुफा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि हु इज शेफ शगुफा, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, ये आपने बड़ा अच्छा बोला है कि 5 मिनट के लिए अगर खड़ा होना है तो 15 मिनट लग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम वेरी टॉकेटिव, लेकिन आई होप दैट आई टॉक लाइक यू नो वैल्यू एडिशन। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ये मतलब कचरा नहीं ही मैं बोलती हूँ, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई बिलीव। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब एवरीवन हु इज शेफ शगुफा। एक्चुअली आई एम शेफ एंड एजुकेटर। मेरा जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग का रहा। आई हैव डन माई डबल मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, और मैं बेसिकली बॉर्न एंड रेज इन कराची। आई बिलोंग टू कराची, पाकिस्तान, और वहाँ मैंने सिटी स्कूल में मेरा 8 साल का अरसा रहा है। वहाँ मैं जो हूँ वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती रही। इसके अलावा जो है वो ड्रामेटिक्स से जो है वो अटैच रही, बच्चों को तैयार कराना डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए, उनको बाहर भेजना। सो आई वॉज अ काइंड ऑफ लाइक यू नो कोऑर्डिनेटर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। उसके बाद जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में मैंने जो है वो एम फिल और PhD के स्टूडेंट्स को इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाई है। ICMA का अगर आपको नाम पता हो, वो बिजनेस एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ बिजनेस इंग्लिश पढ़ाई है। सो आई वॉज अ बॉर्न टीचर, यू नो यू कैन से। सो व्हेन आई ट्रैवल्ड विद माय हस्बैंड मूव, यू नो उनके रहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हेड रहे हैं PNG के, और उन्होंने जो है वो बहुत लंबा अरसा 20 years ही सर्व लाइक यू नो PNG, एंड ड्यूरिंग दैट टेन्योर वी हैड टू मूव। सो आई वॉज वेरी यंग at the time when I like you know moved from Pakistan to Nigeria. That was like you know first I moved to Egypt, Cairo, and then like you know we settled like you know for 4 years in Nigeria. And that time I had babies also, and I had no idea about cooking, and husband was traveling, he was a foodie also. So ab kya kare, marta kya na karta. Aur 2006-2007 mein koi WhatsApp nahi tha, kuch nahi tha ki ji aap amma se recipe le lenge ya exactly koi help aa jayega ya koi YouTube par aap dekh lenge. Jaise aajkal to you know recipes are like storm ki tarah jo hai wo aapko available hai, aap ek type kare aur 10,000 recipes aapke samne aa jati hain. To I was इन डिलेमा के मैं ये कहाँ आ गई हूँ, नाइजीरिया जैसा मुल्क जहाँ कोई नहीं है। देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड टू इंस्टॉल द डिशेस फॉर मी, यू नो दैट डिश, बिग डिश उस वक्त जो है वो डिश लगा करती थी। और मैंने उनसे कहा कि मुझे मसाला चैनल जो है वो लगा कर दें। सो अब अफ्रीका में मसाला चैनल आना, यू नो इट वॉज ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि यू नो वहाँ पे किस तरह होगा। तो काफ़ी बड़ी बड़ी मेरे कंपाउंड में जो है वो 3 डिशेज लगी थी, बिग साइज। और उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग मसाला चैनल्स। मैं हमेशा मसाला शो पे भी मैंने ये कहा था कि मसाला इज जस्ट लाइक माय मैका। वहाँ से मैंने जो है वो बेसिकली शीरी आंटी को फॉलो करना शुरू किया, शेफ महबूब को मैं वहाँ पे फॉलो करती थी, उनको देखती थी। फिर एक और शेफ थी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शेफ राहत। वो शी इज़ अ प्रोफेशनल, इनफैक्ट बाकी तो सेलिब्रिटी शेफ हैं। शी हैज़ डन हर कोर्सेज एंड हर रेसिपीज वर वेरी ऑथेंटिक। आई नेवर फेल के यार क्या बताया था और ये क्या बन गया, एज अ न्यू बी ट्राइंग लाइक यू नो माई डिशेज। देन आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स जो कि मेरी मदर की एज की थी, इंडियंस थी। उन्होंने मुझे जो है वो वेजिटेबल्स बेसिकली कैसे, इंडियन वेजिटेबल्स इतनी मज़े की होती हैं द वे दे कुक कि आप गोश्त खाना आप छोड़ दें। सो आई टुक लाइक यू नो क्लासेस फ्रॉम देम, वहाँ से सीखा, कुछ नाइजीरियंस डिशेस सीखी। लेबनीज पड़ोसी थे वो भी जो है वो आंटी टाइप थी, तो उनसे बेकिंग जो है वो सीखी। तो दिस ये किस सन की बात है? 2006। अच्छा, हम ये इस आपकी शेफ की जर्नी की तरफ आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। सही। कि क्या शुरू से ही मतलब बचपन से ही आपका खाना पकाने में इंटरेस्ट था या क्या था वो बताएं। मैंने अपनी पहली रोटी ससुराल में बेली थी। ओके। मुझे मेरे ससुर होगा वो तो फिर। नहीं, मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। मेरे ससुर ने कहा कि बेटा सब कुछ मेड कर ले, लेकिन आटा मेड नहीं गूंदेगी, और रोटी जो है वो यू नो बुजुर्गों की कुछ होती है। जैसे मेरी नानों ने कभी भी कपड़े मासी से नहीं धुलवाए। आई ऑलवेज लाइक
इवन दो टेलर क्यों आप क्यों खुद, तो वो नहीं नहीं उनको तसल्ली नहीं होती थी एक पाकी ना पाकी का यू नो एहसास. तो अब हम क्या करें जी, मेरी शादी और हश्याम जो मेरे हस्बैंड उनके बड़े भाई की शादी, हमारी साथ शादी हुई थी. अच्छा, जो भाभी हैं वो प्रोफेशनल लाइक यू नो डॉक्टर हैं और वो सऊदी ही बॉर्न एंड रेज लाइक फ्रॉम सऊदी, तो उन्होंने तो जिंदगी में वो तो छोड़े, उनकी माँ ने भी कभी जो है वो रोटी वोटी नहीं बनाई थी क्योंकि सऊदी में हमेशा खुब्ज मिलती है रेडीमेड, बाहर से आप लेते हैं उसे माइक्रोवेव करते हैं और वो खा लेते हैं. अब भाभी मैं और एक दूसरे की हम लोग शक्ल देखें कि अब हम क्या करें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने बड़ा सा एक पेड़ा जो है ना वो लेके आई रोल इट ऑन द काउंटर एंड आई टुक द सिफ्ट, जो आटे छानने की जो वो होती है या छन्नी, उसको मैंने रखा था एंड आई डिड द राउंड रोटी एंड दैट वाज माय फर्स्ट. एग्जैक्टली जब हम मैं गई अपने घर तो थोड़ी देर हो गई थी, ऐसा होता है ना शादी के नए नए आप होते हैं तो आप जाते हैं डिनर के बाद चले गए थोड़ी देर के लिए, या जैसे ही आपको कोई वीकेंड मिला तो आप चले गए. तो मेरी बहन ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि देर हो गई आप लोगों को आते आते, मगरिब के बाद आना था. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना वो ये रोटी बना रही थी. तो मेरी बहन ने यू नो विद बल्जिंग आईज उसने कहा क्या कर रही थी. तो मेरे हस्बैंड भी डर गए कि जैसे पता नहीं क्या, बट आई नेवर सेड नो. सो दिस काइंड ऑफ मैं कहती हूँ तरबियत, यू नो ये एक तरबियत का भी हिस्सा है. आज के दौर में लड़कियाँ कहती हैं Who cares? I don't know. मुझे अंडा बॉईल करना नहीं आता, मुझे चाय बनानी नहीं आती. और हम बहुत फखरिया जो हैं वो ये चीजें बोल रहे होते हैं. मैंने तो कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया. एंड वी नेवर वेंट टू लाइक यू नो किचन, नो नो वी हैव कुक, वी हैव दिस, वी हैव दैट. ओके, मेरे घर में भी बंगाली मेड थी राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. मेरी मदर पांच भाइयों की अकलौती बहन थी जो कि कभी भी कुकिंग में नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपके घर का मुलाजिम ऐसा चलाएगा किचन में, आपका पूरा का पूरा बजट आउट हो जाएगा अगर आपने ग्रॉसरी और किचन आपने जो है वो हेल्प के हाथ में दिया. हेल्प भी उसी वक्त चलती है जब उसको ये पता होता है कि आपको कुछ आता है. द मोमेंट यू नो और दे आर सो शार्प, दे क्विकली जज, उनको पता चल जाता है कि मैडम को कितना आता है. और ये हमेशा से यही होता है कि किसी भी काम में अगर आपको उसकी बेसिक्स नहीं पता तो आप अगले बंदे की ना गलती पकड़ सकते हैं ना कुछ भी इस तरह कर सकते हैं.